ग्वालियर शहर के कंपू थाना क्षेत्र के कैंसर पहाड़ी इलाके में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। सिर में चोटों के निशान है, जिससे लग रहा है कि उसकी पत्थर मारकर हत्या की गई है। मृतक की जेब में मिले आधार कार्ड एवं मोबाइल के आधार पर उसकी पहचान रईस खान के रूप में हुई है। वह जनकगंज थाना क्षेत्र के हारकोटा सिर का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल वह खंचासी बाबा की दरगाह के पास किराए पर रहने लगा था। बीती शनिवार की रात उसने अपने घर हारकोटा सिर से खंचाची बाबा की दरगाह के पास किराए के मकान पर जाने की बात परिवार के अन्य लोगों से की थी। इसके बाद वे चला गया था। आधी रात के बाद लगभग 3 बजे जब कैंसर पहाड़ियों पर स्थित रोड से वाहन सवार निकले लोगों ने कैंसर पहाड़ियों के पास सिम्स हॉस्पिटल के पास सड़क किनारे लाश पड़ी देखी, तब उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद घर वालों को पुलिस द्वारा मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने उसकी पहचान रईस खान के रूप में की है। पता चला है कि रईस जुआ खेलने का शौकीन था और एक दिन पहले ही वो 20,000 से ज्यादा की रकम जुए में जीता था। उसके पास मिले मोबाइल और 500 के नोट के अलावा कुछ अन्य साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस को घर वालों ने कुछ संदिग्धों के नाम बताए हैं, जिनके साथ वे अक्सर रहता था और जुआ खेलता था। इसी के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध लोगों की खोजबीन शुरू कर दी है। इनमें 2 लोग पुलिस को फिलहाल नहीं मिले हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस हत्याकांड से पर्दा उठा दिया जाएगा। ना है या कोई हत्या वगैरह है, क्या लगता है आपको? हमें तो ऐसा लग रहा है कि जब वो बच गया जमाई, जानबूझ के गाड़ी को दे, झगड़ा 2 साल भर से चल रहा था, झगड़ा देने 2-3 बार 1-1 लाख रुपए दे भी चुके हैं, इनके भैंस का व्यापार करते हैं। हाँ। 2-1 बार 1-1 लाख रुपए ले भी आया वहाँ से, फिर भैंस में घाटा गया, भैंस में घाटा गया। क्या बताती थी बेटी आपको, क्या विवाद होता था? अभी 1 महीने पहले भी इन्हें मार के भगा दी थी, तो जामने तालाब से फिर हमारा कमल आया था, उसको पापा लेके गया था। फिर ये नवरात्रि में बोले यार माता पूजा की, माता पूजा भेज दो, माता पूजना जिनके खोले बैठे वो पापा बनाया, वो भी आया साथ, फिर हमने भेज दिया। यार चलो 2 बच्चे हो गए, अब कहाँ दूसरा घर दिखाना अपने बच्ची को, हमने भेज दी। तभी 1-1.5 महीने नहीं थी। ये जो कल जो दुर्घटना हुई उसके पहले भी कोई क्या विवाद वगैरह की स्थिति बनी थी? फोन आया था पति पत्नी के, पिताजी को फोन आया था कमल को, क्या दारू पी के बोले मारते हैं और क्या। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुश्ताक। मुश्ताक, क्या सूचना मिली थी, कैसे, क्या पता चला? जी सूचना मिली थी शाम को, तो वो मोहल्ले में ही अपने फिंगर वगैरह खाए, उन्होंने टिक्की विक्की बढ़िया घूम रहे थे, पर 9-10 बजे लोगों ने देखा उनको, 11 बजे तक तो वो थे। उसके बाद वो कह रहा है घर जा रहा हूँ, कदानजी बाबा पे रहते थे किराए से, हारकोटा सीर में उन पुश्तैनी मकान भैया वगैरह सब रह रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ से निकले फिर जब घर नहीं पहुँच पाए, 2 बजे सूचना आई कंपू थाने से, फोन आया कि आपको इधर आ जाओ कैंसर पहाड़ी पे। तो भैया वगैरह सब लोग आए देखने, तो उनकी बॉडी डली हुई थी, नाक में से खून बह रहा था और सिर में भी काफ़ी खून निकल रहा था। तो उनको बॉडी उठाई तो 500 का नोट डला हुआ था और मोबाइल मिल गया था। कौन के संग में थे कुछ पता है? जे नहीं मालूम कौन के संग में थे, जिस चीज़ होती तो फिर नाम बताए थे, अभी जे नहीं मालूम पड़ा किसके संग में थे किसके संग नहीं थे। क्या नाम है आपके, कौन लगते हैं? वो मेरे ताऊ के लड़के हैं और मेरी छोटे वाले भाई को, उनको मेरी छोटी बहन भी आई है। क्या नाम है किसका? उनके भाई का फरहान नाम है, जिसको मेरी बहन भी आई है, उनका नाम रईस भाई है, रईस खान। रईस खान ठीक है। सर वो दारू में दुर्घटना क्या, दारू में मार डाली, दारू में गाड़ी पलटी गई, उसने दारू बहुत पी के झगड़ा हुआ था इनको शाम को। क्या झगड़ा हुआ था, किस बात पे विवाद हुआ था दुर्घटना के पहले, किस बात पे विवाद हुआ था? इनका जाने का हुआ था, बोले कि वो उसने मम्मी से मुंडे मिलने जा रही थी। कहाँ जा रही थी इनकी माता जी? माता जी आ रही थी कि उकारे सर, तो उसने मम्मी ने नकारा कर दिया बाद में, माता तू बेटा घर ही रहे। अच्छा, उसको बाद में नकारा कर दिया था, तू बेटा घर ही, तारा बाद में तारा मारे घर ही। अच्छा, वो घर रखी थी और रात में गुस्सा में गई, तो ये दो के विवाद हुए तो उन्होंने गाड़ी नहर में कूदा दी। अच्छा, झगड़ा हुआ था इन दोनों का। अच्छा, पहले भी मारता था ये, उन मारो 15-20 दिन में रिश्तेदार को भेड़ा करता था। हाँ। दारू पी को फिर भेड़ा करता था, बुलाता था। अच्छा, फिर 5 रिश्तेदार बुलाता, फिर 10 रिश्तेदार मिलवा दो। हाँ। बार बार बुलाता था। अच्छा, सब अब गवाहदार बोले पूछ लो, जामने हम जाको 2 रिश्तेदार वो आए थे लेने को ले, फिर उन्होंने बोला कि चलो मिल दो, भेजी मिल दो। 3-4 बार हो गया ऐसा मेरे साथ में, जब से दुखी कर दी छोरी को, दारू पी को बंड संड मारता है। अच्छा, परेशान कर रखा था। मैं आता मेरे से भी दादागिरी करता था, वो तो हाट नहीं उतरी सकते, तार में ताकत नहीं, तू कहीं कर सकते मारो। अच्छा। गाड़ी में भेड़ो कर लंड संड गाल देते हमारे मारने के। क्या सूचना मिली थी, कौन है, कैसे, क्या रात्रि गश्त के दौरान हमारी FRB को एक सबके पड़े होने की सूचना मिली थी कैंसर पहाड़िया पर, तो उस पर से मौके पर जो भी मैं भी गया था रात्रि का अधिकारी, और सबको हमने पहचान हो गई थी, उसके परिजनों से बात करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, और अभी हमें जाँच कर रहे हैं कि इसका जिन व्यक्तियों के साथ में घूमना फिरना था और क्या घटना हुई है इसके साथ। कैसे सिर में थोड़ी ब्लीडिंग थी,
चोट लगा होना दिख रहा था, बाकी जो किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, क्या घटना हुई है, ये सब अनुसंधान के बाद ही क्लियर होगा। परिवार के लोगों का कहना है कि ये भी बाहर रहता था, कुछ टाइम पहले ही आया था, और परिवार के लोगों ने कल शाम को भी मिला था उनसे, तो अभी देख रहे हैं कि किन लोगों के साथ रात में था और क्या घटना हुई है, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया।